जैसे कि आप लोग जानते हो, हर कुछ साल बाद ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने के लिए कई सारे एथलीट्स आते हैं। 100 से ज़्यादा कंट्रीज ओलंपिक्स में हिस्सा लेते हैं और इसे एक तरह का पीस एंड यूनियन सेलिब्रेशन माना जाता है। पर आखिर ये ओलंपिक शुरू कैसे हुआ? BC 1776 में, यानी लगभग 3000 साल पहले, ग्रीस में सबसे पहला ओलंपिक गेम हुआ। तब इसे एक रिलीजियस टूर्नामेंट माना जाता था। जीस, जिन्हें ग्रीक गॉड्स का किंग माना जाता है, उनके सम्मान में ये टूर्नामेंट शुरू की थी। ये गेम्स हर 4 साल बाद खेले जाते थे और इसमें युद्ध विराम का नियम था, यानी ओलंपिक के समय कोई सिटी स्टेट किसी और सिटी स्टेट पर हमला नहीं करेंगे। इसे ओलंपिक ट्रूस भी कहा जाता था। ये गेम साउथर्न ग्रीस के ओलंपिया नाम की जगह पर खेला जाता था, इसीलिए इसका नाम ओलंपिक रखा गया। आज ये जगह एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है और इसे आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ ओलंपिया के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले ओलंपिक में खाली शॉर्ट रेस ये एक ही गेम था, पर बाद में धीरे धीरे इसमें बॉक्सिंग, रेसलिंग, लॉन्ग जंप, चैरिट रेसिंग जैसे गेम्स ऐड किए गए। इसमें खाली मेन पार्टिसिपेट करते थे और ऐसा लास्ट ओलंपिक खेला गया 393 AD में और यह हजारों सालों की परंपरा ख़त्म हुई। इस ओलंपिक को एंशियंट ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। फिर लगभग 1500 साल बाद, यानी 1894 में, बैरन पियर डी कॉबर्टिन ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की और इसी के चलते सबसे पहला ओलंपिक मॉडर्न गेम हुआ 1896 में। एथेंस ग्रीस में इसका आयोजन किया गया, जिसमें 14 देशों के 241 एथलीट्स ने भाग लिया था और धीरे धीरे इन ओलंपिक गेम्स में परिवर्तन होने लगा। जैसे 1900 से वुमेन भी ओलंपिक में भाग लेने लगे और कुछ सालों में विंटर गेम्स यानी स्केटिंग जैसे गेम्स को इंक्लूड करने के लिए विंटर ओलंपिक्स की कंसेप्ट लाई गई। फिर स्पेशली एबल्ड के लिए पैरेलल ओलंपिक्स यानी पैरालंपिक्स की कंसेप्ट लाई गई। आज के ओलंपिक्स की अगर बात करें तो हर 2 साल में ओलंपिक्स गेम होता है। एक बार समर ओलंपिक्स खेला जाता है तो दूसरी बार विंटर ओलंपिक्स, यानी हर 2 समर ओलंपिक्स के बीच में 4 साल का गैप रहता है। ओलंपिक फ्लैग या सिंबल को 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स से डिफाइन किया जाता है। ये रिंग्स ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड कलर के हैं और ये सारे रिंग्स अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के लिए बनाए गए हैं। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के लिए एक रिंग और बाकी अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक एक रिंग। इसके अलावा ओलंपिक फ्लेम भी एक महत्वपूर्ण सिंबल है। हर ओलंपिक के पहले ओलंपिक फ्लेम या टॉर्च को जलाया जाता है और ओलंपिक के ख़त्म होने पर इसे बुझाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।